नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और हमारे साथ मौजूद हैं रघुवीर सर, सीमा मैम और जैमिन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि जब आप एक बहुत फिल्म का पोस्टर देखा, हमने ट्रेलर देखा, एक बहुत अतरंगी सी पिक्चर लग रही है, तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म के लिए? एक्सपीरियंस तो इतना कमाल का था कि जब तक आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी देख के वो एक्सपीरियंस ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। मैं लफ्ज़ नहीं मेरे कि किस तरह का एक्सपीरियंस, भी बड़ा अतरंगी था और माहौल भी बड़ा अतरंगी था और जहाँ जहाँ हमने शूट किया वो भी बड़ा अतरंगी था। तो सब हम अतरंगियों में जिए। मैम, आप और सर बहुत लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप और सर पहली बार यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जी, तो कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा अनुभव, क्योंकि मुझी के बारे में आप क्या बोलें, आप सब लोग ही जानते हैं कि इतने कमाल के अदाकार हैं, इतने कमाल के कलाकार रहे हैं और मैं तो काफ़ी फ़ैन रही हूँ उनकी। और हमेशा से कोशिश थी कि हम साथ में कभी काम कर सकें, लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। तो जब मुझे पता चला इस फिल्म में कि रघु जी हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन था इस फिल्म को करने का कि अरे, मैंने आज तक उनके साथ काम नहीं किया है, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हम लोग साथ में काम करें। और क्योंकि इतने सालों के अनुभव रहते हैं, तो फिल्म के दौरान जब आप शूटिंग करते हैं तो वो जब अनुभव एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं तो और भी मज़ा आता है, और भी कुछ हर तरह से सुनने को, सीखने को, समझने को मिलता है एक दूसरे के बारे में। जैमी, जब आप सेट पर होते थे और आपके साथ सर और मैम हुआ करते थे, तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं लगता था कि एक्टिंग की पाठशाला सामने ही साथ साथ चल रही? ऐसा अननोइंगली हो गया, मतलब ऑब्वियसली सर के प्रेजेंस में, मैम के प्रेजेंस में, हम तो स्टूडेंट्स ही हैं, तो हम मैं तो यही सोच कर चल रही थी कि मैं बहुत कुछ सीखूंगी काम करते करते। और क्योंकि ये जॉनर जो है ये मेरे लिए बहुत अलग है, न्यू है, इस तरह की सीरियस या नेचुरलिस्टिक एक्टिंग मैंने नहीं की है पहले। तो मैं स्टूडेंट एटीट्यूड से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ कि हाँ, इस पे आऊँगी तो मैं मैम से सीखूँगी, ऑन स्क्रीन करते करते यू नो आई विल लर्न, आई विल गेट बेटर। तो बहुत मज़ा आया, बट पर्सनली जो मैंने मैम को और सर को देखा है जिस तरह के हैं पर्सनल लाइफ में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऑन स्क्रीन मैंने उनको हमेशा ऑन स्क्रीन नहीं देखा। और मैं ये सोच के, मेरे सोच से बढ़कर है कि मैं उनके साथ फिल्म कर रही हूँ, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इनके साथ फिल्म कर पाऊँगी, लेकिन वो तो हो गया। उसके अलावा एक पर्सनल बॉन्डिंग जो हमारी बनी फिल्म के शूटिंग के दौरान, वो बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए। इट वॉज रियली फन। सर, आपकी फिल्म की टैगलाइन जो है वो है बनारस से बैंकॉक तक जी। जब कॉमन लोगों में, आम लोगों में बात होती है, जैसे बैंकॉक का नाम आता है तो एकदम हॉट टाइप की फीलिंग आती है जी। तो जब आपको फिल्म ऑफर हुई तो मतलब आपका क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था बैंकॉक होता क्या, तो मैं चौंकों से फीलिंग आएगी। तो बस वही है कि हमने जो घाट घाट का पानी पीने में जो मजा है, तो वो बनारस के घाट घाट में पानी पीते रहे तो हम वहाँ भी घाट ढूंढते रहे कि हाँ भी कोई घाट मिल जाए जहाँ पानी मिल जाए, तो मिल गया पानी, हम लोगों ने पी लिया। सर, जैसे फिल्म का टाइटल ही यात्रीज है और फिल्म घुमक्कड़ी से रिलेटेड है जी, तो आपके फेवरेट डेस्टिनेशंस अभी तक कौन से रहे, जहाँ पे आप गए हो और जो जहाँ पे नहीं जा पाए वो भी? आप, मैं बताऊँ जी, नहीं जा पाए तो वो तो कई जगह बहुत ही जगह जो इस जन्म में शायद पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कई जगह जाना जी। और गए हैं तो मुझे पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं जी सर, पहाड़ी इलाके बड़ा अच्छा लगता है, समंदर से थोड़ी घबराहट होती है, राजस्थान भी अच्छा लग जाता है। तो जब जब मौका मिलता है तो बस मज़े ले लेता हूँ वहाँ जाके। और जब शूटिंग अगर पहाड़ों की हो की आ जाती कि पहाड़ों में कहीं शूट कर रहे हैं, डलहौजी या कहीं हिमाचल में या कहीं, तो फिर पैसे नहीं पूछता मैं कि ले चलो भैया, छोड़ दो मत लाना वापस। मैम, आप, मेरा भी ऐसे ही है कि पहाड़ों के हम लोग पता नहीं क्यों शौकीन होते हैं जी। शायद हमारा नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम ही ऐसा है
मेरा भी फेवरेट प्लेस ऋषिकेश है और बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो जानते हैं कि अगर ऋषिकेश में फिल्म है और सीमा जी को पूछा जाए तो वो ना नहीं देंगे क्योंकि ऋषिकेश बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छी जगह लगती है ऋषिकेश। और मैंने बैक टू बैक तीन फिल्में की और लकीली आयुष्मान और भूमि के साथ ही वो तीनों फिल्में थी, तो शायद हम तीनों का ही कुछ ऐसा है कि बहुत ही जुड़े हुए हैं ऋषिकेश से। जेमी आपके क्या फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं? देखिए एक्चुअली इंडिया में ज़्यादा मैं ट्रैवल नहीं कर पाई हूँ, हॉलीडे डेस्टिनेशन अगर आप बोले तो नहीं कर पाई हूँ हॉलीडे विद इन इंडिया, बट हाँ हम लोग शोज़ के लिए बहुत ट्रैवल हमने किया है विद माय फादर, बट हॉलीडे इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज आप समझ सकते हैं डैडी और मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता था हमारे लिए बाहर घूमना, तो इस फिल्म में मुझे प्रॉपर फैमिली हॉलीडे का एक्सपीरियंस मिला यात्रीज में, बनारस में भी मिला और बैंकॉक में, सो आई रियली एंजॉय दैट। तो आई थिंक मेरा फेवरेट स्पॉट हो गया है बनारस, स्पेशल है। मैम आज आप दिल्ली आए हुए हैं तो दिल्ली तो आपके जीवन में बहुत खास स्थान रखता है, तो उसके बारे में आप कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगे? दिल्ली की तो सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि खाना बहुत ही ऐसा लाजवाब खाना मुझे नहीं लगता इंडिया में कहीं और मिलता है जो दिल्ली में मिलता है, इसलिए क्योंकि दिल्ली में सब चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे आप यूपी जाएंगे तो आप वहाँ का ख़ास कुछ खाएंगे, राजस्थान जाएंगे तो वहाँ का कुछ ख़ास खाएंगे, पर दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ मिलता है और मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ, यहीं पर सब कुछ मेरा पूरा जीवन आधा जीवन यहीं बीता है और शादी भी यहीं हुई, बच्चे भी यहीं हुए, तो मुझे लगता है दिल्ली तो मेरे लिए हमेशा ख़ास रहेगा। और उससे भी ज़्यादा क्योंकि अगर अपनी फील्ड की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कल्चरली भी जितना रिच दिल्ली है वो बहुत ही कम सिटीज़ हैं उतना, क्योंकि यहाँ हर तरह का आर्ट फॉर्म, हर तरह के आर्ट फॉर्म के इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो एक जहाँ मंडी हाउस जो हमारा फेवरेट जगह रही है वहाँ हमेशा ऐसा रहता था आप खोलो तो इधर भरतनाट्यम हो रहा है, इधर देखो तो कथक हो रहा है, इधर देखो तो डांस हो रहा है, इधर कुचिपुड़ी हो रहा है, बहुत सारे तरह के डांस म्यूज़िक की आवाज़ आती रहती है, तो एक माहौल जो आर्ट मुझे लगता है कि एक्टर को चाहिए कम्प्लीट, मतलब पेंटिंग्स भी हम देखने जाते हैं, और पहले तो ये मंजर थिएटर बहुत हुआ करता था अपना प्रगति मैदान में जी। तो मंजर थिएटर में इंटरनेशनल सिनेमा हमने देखा है 5-5 रुपए में, तो वो जो एक पूरा माहौल यहाँ का हमेशा मिला है हमें, वो मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे धरोहर है, मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट ईयर्स मानूंगी मैं, जो उसने मुझे सिखाया है वो मैं और कहीं नहीं सीख सकती। मैम एक आम आदमी की ज़िंदगी की बात करें तो कहा जाता है कि उम्र के साथ साथ वो ढलने लगता है, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में देखें तो जैसे आपकी अगर लाइफ की बात करूँ तो आपके वो दर्शकों का प्यार और मुझे लगता है बढ़ रहा है उम्र बढ़ने के साथ साथ, तो इसका क्या राज है? ऊपर वाले का भी शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया जो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इससे बड़ी खुशनसीबी तो मेरी हो नहीं सकती कि उम्र के साथ साथ अगर दर्शक बढ़ जाएँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि हमेशा घट जाते हैं, तो उसके लिए मैं दर्शकों का ही शुक्रिया अदा करूंगी कि वो मुझे बस ऐसा प्यार देते रहें, और मैं तो चाहूंगी कि आखिरी दम तक मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से परफॉर्म करती रहूं और आपका प्यार जीतती रहूं। सर आप एक बहुत लंबे समय से एक्टिंग कर रहे हैं दूरदर्शन के ज़माने से लेके अब तक, लेकिन जैसे आपने अभी OTT पे जो आपने एक इतने अच्छा नाम कमाया है और आपको इतना पसंद किया जा रहा है, मतलब नई ऑडियंस के बीच में, यंग ऑडियंस के बीच में भी, उस बारे में सर क्या कहना है आपका? क्या है, मैंने वो 60s का 50s का ज़माना भी देखा हुआ, उस तरह जिस तरह की फिल्में हुआ करती थी, फिर थिएटर का ज़माना भी देखा हुआ है, क्योंकि मैं पारसी थिएटर से मेरा ताल्लुक रहा है, बिल्कुल खाना मदोशों की तरह मैं पारसी थिएटर में घूम घूम के हमने नाटक किए हैं गांव-गांव में एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के लिए, तो सब माहौल से मैं वाकिफ रहा हूँ, तो वो दौर था, तो उसकी उस वक्त जो काम के प्रति जो शिद्दत हुआ करती थी, जिस शिद्दत से जो जुनून हुआ करता, जो दीवानगी जो उन्माद होता था उस वक्त, वो बीच में गायब सा हुआ,
क्योंकि उसके बाद थिएटर की ने ऐसी जगह बना ली थी, खासतौर में दिल्ली में। मैं पारसी थिएटर करने के बाद लखनऊ गया, लखनऊ में का भी वही माहौल, फिर वहाँ से पता लगा कि थिएटर सिखाया जाता, तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली का जब मैंने मंडी हाउस का माहौल देखा तो मैंने देखा कि इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। मैं तो फिल्मों में जाना ही नहीं चाहता था, और जो भी करूँगा मैंने तय कर लिया था मैं यहीं से करूँगा, और वही किया मैंने। बहुत सारी फिल्में मैंने दिल्ली में रह के ही की, मैसी साहब वहीं, सलाम वहीं, दिशा सही परंजपी की वहीं की, पपिया वहीं रह के की मैंने। बाद में फिर बाद में थिएटर में भी फिर वो जो लोग आ गए उस तरह के मीडियाकर लोग आए, उन्होंने थिएटर को फिर इस तरह से लिया कि थिएटर में काम करके सीधा फिल्मों की तरफ चले जाइए। जहाँ वहाँ नीयत ख़राब हुई लोगों की, तो वो थिएटर भी थोड़ा कमज़ोर पड़ते चला गया। और फिर दूरदर्शन, तो उस वक्त जो दूरदर्शन जिस तरह के प्रोग्राम आया करते, तो बड़े मतलब गांव-गांव में जाके देखा करते, परिवार बैठ के देख लिया करता था। फिर बाद में ये कारखाने खुल गए जहाँ की एक दिन में दो एपिसोड बनते थे, वो जब शुरू हुआ तो फिर लोगों ने साथ बैठ के परिवार के साथ देखना बंद कर दिया। तो ये सब इस दौर से, एक वो दौर था जहाँ सीखने की चाहत थी, ललक थी कि बस सीखते चलो सीखते चलो। बाद में तकलीफ का भी दौर आया कि ये क्या हो रहा, मैं तो इसलिए थोड़ी आया था, लेकिन वो दौर, लेकिन इतना मुझे ज़रूर था कि ये जाएगा, तो क्योंकि ईमान ईमान होता है, नियत अच्छी नियत अच्छी नियत होती है, अगर काम अच्छी नियत से करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कामयाब या बेहतर हो ही जाएगा। तो वहाँ से चला, फिर बाद में ये जो दौर आया कारखाने वाला जो मैंने बताया आपको, वो ख़त्म हुआ, तो OTT प्लेटफॉर्म ने संभाल लिया। तो ये संभाला, तो मुझे सबसे खुशी ये होती है कि अब लोग परिवार बैठ के देखने लग गया है, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ कल्चर का जो वैरायटी है, जो हमारे यहाँ कल्चर है, मतलब इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ पढ़ा गया है कि अभी आप सालों सालों तक उस पर काम करते रहिए तब भी कम नहीं होगा। वो लोगों ने छोड़ दिया था, फिल्में भी बनती थी, चार फिल्में देख ली या एक फिल्म को दो बार बना लिया कि वहाँ हिट होगी तो हम भी हिट कर ले, तो इस तरह का जो था नकली सा माहौल चल गया था, उससे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। और मैं उसमें गया ही नहीं, मैंने तय कर लिया कि भूखे मर जाएंगे लेकिन जाऊँगा नहीं उसमें। और वैसे ही था कि मेरी सोच पर सोचने लगा कि चलो कुछ और कर लेते हैं, तो कुछ और क्या, म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक था लेकिन कुछ और किया नहीं मैंने, तब तक ही आ गया कोविड आ गया। तो कोविड में मैंने अपनी किताबें झाड़ी और सारा कुछ किच किया, और वहीं से फिर ये OTT प्लेटफॉर्म मिल गया, तो वहाँ से लगा कि अब, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत बेहतर बेहतर लोग सामने आ रहे हैं, राइटर पोएट और कलाकार जितने भी एक्टर्स बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस जो उम्मीद कर रहा था वो शायद कारगर होगी। मैम आपने भी काफ़ी लंबा समय बिताया है एक्टिंग के फील्ड में, तो तब और आज के दौर की फिल्मों में एक्टिंग में क्या फ़र्क मानती हैं और क्या चैलेंजेस हैं? ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि फ़र्क आ गया है, फ़र्क तो नहीं आता है। टेक्निकली हम लोग ज़्यादा एडवांस हो गए हैं अभी, जैसे पहले बहुत सिंपल तरीके से फिल्में बनाई जाती थी क्योंकि उतना सब एडिटिंग और ये सब इतना नहीं आया था, तो बहुत ही लंबे टेक लिए जाते थे, और उस तरह से एक्टर्स की मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि उनके पास गुंजाइश नहीं थी रीटेक लेने की, क्योंकि पहले आप जानते ही होंगे कि पहले रील होती थी, उसमें फुटेज लेना बहुत मुश्किल काम होता था, मतलब प्रोड्यूसर को तो बहुत ही महंगा पड़ता था। तो इसलिए एक्टर्स को भी एक तरह की आदत हो गई थी जल्दी टेक देने की, क्योंकि फाइनेंशियली सूट नहीं करता था। पर अभी डिजिटली इतना ज़्यादा एडवांस होने के बाद अभी आपको मालूम है, आप लेते जाइए टेक, लेते जाइए, मतलब 40 टेक के बाद भी अगर एक टेक ओके हो रहा है तो भी उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा। एक्टर को अब वो उस चीज़ की आदत पड़ गई है, तो ये जो चेंज आया है इससे एक्टर की अपनी जो मेहनत है वो थोड़ी सी पहले वाले एक्टर से कम हो गई है जी। इसलिए क्योंकि अब वो टेक्निक पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा कहीं ना कहीं से शॉट ले ला के एडिटिंग कर कर आके मेरा रोल निकल ही जाएगा जी, जी। पर पहले वो सहायता नहीं मिलती थी आपको, वो मदद नहीं मिलती थी, तो एक्टर पे बहुत जिम्मेदारी थी। जैसे कि जब मैंने 68 में काम करना शुरू किया था तो लाइव टेलीकास्ट था,
तो लाइव टेलीकास्ट होने का मतलब ये था कि कैमरे सब जगह छुपे हुए हैं, अब आपको उनको जाके फेस करना है। तो हमें 15 दिन की रिहर्सल, 3 दिन की कैमरा रिहर्सल, और उस कैमरा रिहर्सल में हमें ये बताया जाता था कि चौक से जो निशान डाला गया है, इस लाइन पे चढ़ के जाओगे तो क्लोजअप मिलेगा, इस लाइन को फॉलो करोगे तो टू शॉट मिलेगा। तो वो और लाइट आप ही को लेनी है, लाइट चेंज नहीं होगी क्योंकि एक बार नाटक शुरू हो गया तो लाइट चेंज नहीं होगी। तो वो जो ट्रेनिंग थी जी, जो हम उस तरह के एक्टर्स की ट्रेनिंग हुआ करती थी, उसमें एक्टर के पास गुंजाइश नहीं थी कि वो कोई लापरवाही बरत सके जी। अभी क्या, अभी बैठे हैं, ठीक है यार, कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं आड़ा टेढ़ा करके, और एक्टिंग में ही नहीं, मैं सिंगिंग में भी ये बात कहूँगी कि बहुत सारे, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैंने कोई म्यूज़िक नहीं सीखा, पर मेरे कान अच्छे हैं। तो जब मैं किसी ऐसे नए बच्चों की आवाज़ सुनती हूँ, कुछ करती हूँ, आपको लगता है ये कच्ची आवाज़ है, इतनी समझ मुझे भी है, ये कच्ची आवाज़ है, ये ताल से उतरा, ये सुर से भटका, मगर टेक्नोलॉजी ने सबको सुरीला बना दिया, सब सिंगर बन गए, सब स्टार बन गए, ऐसे एक्टर सारे एक्टर बन गए। तो मैं ऐसा कहती थी, पहले मेरे अंदर ये विचार आता था कि कोई ऐसा कैमरा क्यों नहीं बनता जो नॉन एक्टर के सामने चले ही ना। नॉन एक्टर आया और उसमें खिच 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 शुरू हो गई, और वो एक्टर कह रहा मैं कर तो रहा हूँ, पर कैमरा कह रहा तू कर ही नहीं रहा है, मैं तुझे लूंगा ही नहीं। तो अगर ऐसी कोई टेक्निक आ जाए जिससे कि सिर्फ ईमानदारी पकड़ी जा सके, तो मुझे लगता है कि बहुत छटाई हो सकती है, और बहुत जो लोग मतलब अपने तरीके से मान चुके हैं कि वो ये सब जानते हैं, उनको थोड़ा सा सब्र मिले, उनको थोड़ा सा सीखने का मौका मिले, वो थोड़े अवेयर हों सीखने के लिए, क्योंकि तमाशा ना बने कोई भी फील्ड। क्योंकि कोई भी आके अगर हमसे कहता है कि मैं एक्टिंग बनना करना चाहता हूँ, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि मेरा भी मन कर रहा है कि कल मैं किसी का हार्ट का ऑपरेशन कर दूँ। तो कहते हैं ऐसे कैसे, मैंने कहा तो फिर ऐसे कैसे। जब एक हम उठ के अचानक ऑपरेशन नहीं कर सकते, हम उठ के एक बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, तो आप उठ के कैसे सोच रहे हैं कि हम एक्टिंग कर सकते हैं। आपने एक्टिंग को क्या तमाशा समझ लिया है। तो इसके पीछे इतनी सारी मेहनत और इतनी सारी चीज़ें हैं कि अब बिना सब समझे बिना सोचे बहुत जत्ता का जत्ता इस फील्ड में आना चाहता है, क्योंकि ग्लैमर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे दुख होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद जो मेहनत और बढ़ जानी चाहिए थी वो और धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो ये नुकसान डेफिनेटली हुआ है हमारी इंडस्ट्री को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय मित्र, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।